Hello everybody, my name is Abed. And I am Abdullah. And you are watching AB Square. So bhai, kaisa guzra hafta? Yaar, hafta bahut interesting guzra. Aur ek cheez jo hai suna bahut tha uske bare mein aur ho gayi is baar. Kaun si cheez bhai? Call aa gayi. Call aa gayi? Kiski call aa gayi? Are CRA ki call aa gayi. Are CRA ki call? Kitna paisa maang rahe hai? Is baar mujhse maang rahe the 5700. 5700 yaar, bada halka le liya maine to. 36,000 तक मांगते हैं जी. तो मैं शुरू से बताता हूँ अपने व्यूअर्स को, ठीक है, कि ये सीआरए कॉल जो आती है ये इसमें क्या होता है और ये स्कैम क्या है. ठीक है, बेसिकली कॉल आती है और पहले तो अच्छा, अब काफ़ी ये लोग स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि अब जब आप नहीं भी उठाते फ़ोन या हेलो भी करते हैं तो आप किसी आदमी से बात नहीं करते, आपको एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही प्रॉपर लगती है कि वाकई लगता है कि सीआरए से कॉल आ रही है. और उसमें बस ये होता है कि प्लीज़ हमें कॉल करें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते. तो वॉइसमेल छोड़ा था? बस वॉइसमेल छोड़ा था, लेकिन मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके साथ ये भी हुआ है कि उन्होंने उठा लिया फ़ोन तो भी उनको वही मैसेज सुनाई दिया है कि प्लीज़ हमें कॉल करें. तो मैंने कॉल किया नंबर को, मुझे पता था कि स्कैम है तो मैंने फ्री था मैं, तो मैंने कहा चलो कॉल करते हैं देखते हैं क्या क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं. कॉल किया तो बहुत ही ख़तरनाक इंग्लिश एक्सेंट में हमारे देसी भाई साहब बैठे होंगे इंडिया में कहीं किसी कॉल सेंटर में. तो उन्होंने बताया कि भाई जी मैं थैंक यू फॉर कॉलिंग सीआरए और जो है मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और ये मेरा ऑफिस आईडी है और जी बताइए क्यों कॉल कर रहे हैं आप. तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये कॉल आई थी इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ. तो उसके बाद वो कहने लगे हाँ हाँ, और फिर सारी उसके बाद मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास सारी उसके पास मेरी सारी उसके बाद मेरा नाम था, पुरानी घर का एड्रेस था, मेरा फ़ोन नंबर था, मेरा ईमेल एड्रेस था, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास. और उसने ये सब चीज़ें बताने के बाद मुझे बताया कि ये मेरी केस आईडी है और बताया कि उन्होंने टैली किया है मेरे पिछले 5 साल के टैक्स फाइलिंग्स का और उसके हिसाब से उन्होंने फिगर आउट किया है कि मैंने 2013 में कभी जो है कोई सही से प्रॉपर टैक्स नहीं फाइल किया था. तो उसके हिसाब से 5700 का मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा. ओके, तो उसने मुझे दो ऑप्शन दिया एक्चुअली. अच्छा, केबीसी खेल रहे हैं? दो ऑप्शन दिए, कहने लगा कि या तो तुम 5700 अभी पे कर दो या तो तुम ये केस को ड्रैग कर लो लॉ में कोर्ट में सॉरी. तो उससे ये होगा कि गारंटीड तुम हारोगे. उसने बड़े उसमें तो हारेंगे हारेंगे और जब आप हारेंगे तो आपको $35,000 पे करना पड़ेगा. तो बेटर ये है कि अभी आप 5700 देके और छुटकारा पा लीजिए. ओके, तो खैर ये सिलसिला था. ये अच्छा भाई, तो जो लोग हमें देख रहे हैं और इनको पहले ये बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि अरे सीआरए क्या होता है. CRA is Canadian Revenue Agency. जो कि बेसिकली टैक्स कलेक्शन करती है लोगों से. इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में IRS है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, इंडिया में इंडियन रेवेन्यू सर्विस है और पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको FBR भी कहा जाता है जी. तो CRA कुछ लोग कुछ कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में जो कि कैनेडियंस को कॉल करते हैं और CRA वाले बन के कॉल करते हैं कि भाई हम CRA से बोल रहे हैं और आपने जो है जिस तरह अभी अब्दुल्ला ने बताया कि आपने टैक्स भी नहीं पे किया था और फना जो भी रीज़न था और उसकी आपको आपको जो है टैक्स देना है. अच्छा, अब्दुल्ला ने हमें बताया कि इनको दो ऑप्शन दिए गए थे. जो ऑप्शन मैंने सुने हैं, मुझे भी 2-3 दफ़ा कॉल आया है इस तरह का और हमारे सर्कल में जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि उनको कॉल आया. तो कुछ लोगों को वो कहते हैं कि अच्छा आप एक काम करें, आप जो है ना वॉलमार्ट जाइए और वॉलमार्ट से आप iTunes का कार्ड खरीदिए और इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, वरना फिर आप बिटकॉइन के हमें जो है पेमेंट कर दीजिए. सो वो बेसिकली दे डोंट टेल यू कि आपको CRA में ही दोबारा फाइल करना है. दे टेल यू कि नहीं, आप हमें अभी डायरेक्टली अभी पे कर दें. और वो वाला सीन ना आपके साथ पुलिस वाला, कि अगर आप नहीं करेंगे तो पुलिस को हम भिजवा रहे हैं. वो तो उसने थ्रेटन करते हैं. थ्रेटन तो उसने शुरुआत में यही कहा कि भाई आपको जो है पुलिस भेज रहे हैं आपके घर. तो खैर लंबी चौड़ी कॉल थी मैंने. अच्छा, काफी कुछ उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, काफी एंजॉय करने की कोशिश की कॉल, क्योंकि मुझे पता था कि फ्रॉड कॉल है भाई, फ्री एंटरटेनमेंट है साहब. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी. इन्फॉर्मेशन थी लेकिन जैसे मैंने कहा उससे कि भाई तुम मुझसे मांग रहे हो वॉलमार्ट का गिफ्ट कार्ड,
या iTunes का कार्ड, तो मैंने उससे ये भी कहा कि वॉलमार्ट बंद हो गया इस वक्त, तो उसने आगे से कहा नहीं खुला हुआ है तुम्हारे लिए ओवर टाइम कर रहा यार, तो आपके लिए ओवर टाइम कर रहा बेचारा। तो इतना उसने कुछ करके फिर मैंने कहा कि अच्छा भी मैं जब वॉलमार्ट जाऊंगा तो मैं क्या करूँ, तो उसने बाकायदा बताया कि फोन नहीं काटना, स्पीकर पे नहीं लगाना फोन, म्यूट नहीं करना फोन, और साथ में जो है जब वहां जाओगे तो वहां किसी गिफ्ट कार्ड जहां रखे हैं okay. सेक्शन है जो है वहां पे जाना, तो वहां मैं तुम्हें फर्दर इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि क्या करना है, क्या करना है। तो इस तरह है। तो तुम जो बता रहे हो कि जो हम लोग के जान पहचान के कई लोगों को तुमको कॉल आई, मुझे कॉल आई, एक्चुअल में कैनेडियन गवर्नमेंट को तकरीबन 60,000 लोग ऑफिशियली कंप्लेंट भेज चुके हैं इस बारे में। 60,000 और ये तो एक जनरल फिगर है, और कितने लोग तो ऐसे हैं को जिन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की होगी लेकिन उनको भी कॉल आई है। और जहां तक पैसा देने की बात है, आई थिंक इजिली जो लास्ट जो CBC की जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि आई थिंक अप टू शायद $10 million आज तक की डेट में, $10 million आज तक की डेट में लोग दे चुके हैं। CBC इज अ न्यूज़ चैनल बाय द वे। घबरा के दे चुके हैं लोग। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता हाँ। कि अच्छा मुझे अगर पता है कि मैंने कभी कोई टैक्स में घपला नहीं किया और मुझे इस तरह की कॉल आती है तो मैं फजूल में तो नहीं किसी को ऐसे पैसे दे दूंगा ना यार, आपकी मतलब हलाल की कमाई है और आप $5 कहीं ऊपर देने से भी आप जो है ना 1,000 दफा सोचते हैं। और यहाँ पे आपको कॉल आती है और कुछ लोग वाकई में एक्चुअली इस तरह की, अब्दुल्ला ने बताया कि पता नहीं कितने मिलियन, 10 million, 10 million तक जो लोग हैं वो पैसे दे चुके हैं, 10 million, और वो कनाडा से जो है वो किसी बिटकॉइन के अकाउंट में या इसी तरह गिफ्ट कार्ड की सूरत में वो जा चुके हैं। तो क्या जो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो पुलिस है बेसिकली कैनेडियन, उन्होंने बड़ी यू नो तहकीकात की और बड़ी रिसर्च की कि यार ये कहाँ से आती है, कैसी होती है, तो पता ये चला कि भाई इंडिया में कुछ कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर्स हर जगह होते हैं, अमूमन जो होते हैं वो सही कामों में होते हैं, मगर वो किस टिक्के जो है ना कि टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। तो वो जो हैं वो कुछ कॉल सेंटर्स हैं जिनका काम ही यही है, वो कुछ और नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए सेटअप किए जाते हैं कि यहाँ पर लोगों को कॉल करें। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉल आती है तो आपको किसी कैनेडियन नंबर से आती है, सो आपका ऐसा नहीं होता कि आपको इंडिया से कॉल कर रहा है तो आपको इंडिया का ही नंबर आ रहा है, देन इट वुड बी सो ऑब्वियस कि यार कहीं और का है, CRA नहीं हो सकता। तो इंडियन नंबर से कॉल आती है और अगर आप कैनेडियन नंबर से कॉल आती है और अगर आप उस नंबर को जैसे 411 या येलो पेजेस में सर्च करेंगे या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि उसका प्रोवाइडर या तो रॉजर्स है या बेल है, लेकिन दोनों में से कोई एक उसका प्रोवाइडर भी होता है। तो काफ़ी लोगों ने जो कंप्लेन की है वो रॉजर्स और बेल को भी कंप्लेन की है कि ये आप कैसे लोगों को अपने नंबर दे रहे हैं, लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर का कमाल है सारा, सॉफ्टवेयर से नंबर प्रूफ कर रहे हैं और उस हिसाब से वो कॉल कर रहे हैं आपको। तो जो पुलिस का कहना है भाई वो ये कहना है कि एक तो हम तहकीकात कर रहे हैं मगर दूसरी बात ये है कि जब लोग कॉल कर करके फॉर एग्जांपल भाई 60,000 लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया तो जब आप कंप्लेन में ही लोग पुलिस को बिजी रखेंगे तो पुलिस एक्चुअली अपना काम कम करेगी। मगर रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि CBC जो एक न्यूज़ चैनल है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पता लगाया कि ये इंडिया में कहाँ होता है, एंड दे यू नो डिड अ क्रैकडाउन उनको वहाँ की पुलिस के साथ मिलके, तो उन लोगों ने वहाँ पे इंडियन पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और कुछ कॉल सेंटर्स को वहाँ बंद किया। अच्छा जी। और इंटरेस्टिंग बात यह है इसके अंदर वो ये कि ये अमल जो है पूरा कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने इंडियन गवर्नमेंट को कंप्लेन किया, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने रेड किया और कॉल सेंटर बंद हो गया, मगर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 2 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। और जब इंडियन पुलिस जो है वो रेड करती है तो वहाँ पे यहाँ पे कॉल आना कम हो जाते हैं, स्कैम्स कम हो जाते हैं और फिर दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है चीज़ें, नेक्स्ट ईयर फ्रेश ईयर दोबारा काम शुरू हो जाते हैं, दोबारा कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेन करती है, दोबारा रेड पड़ती है, दोबारा कॉल्स कम हो जाते हैं, सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मगर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था वो ये कि इसी के दौरान एक रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें ये बताया कि जो पुलिस है एट टाइम्स वो जो लोकल इंडियन पुलिस है जो थाने जो होते हैं स्टेशन जो होते हैं वो भी बात दफ़ा जो है वो उसके अंदर मुलव्वस होते हैं। अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये सिर्फ एक न्यूज़ है, मगर अगर सोचा जाए तो आप देखें अगर आप
एक एक पुलिस है उसको पता है, वो हर साल पहुंच जाती है रेड करने, जब उसको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो वो दोबारा उसको क्यों पनपने देती है, दोबारा उसको क्यों बनने देती है। बट एनी वे दैट्स अ डिफरेंट, एक लोकेशन को तो नहीं करते होंगे वो, अलग अलग लोकेशन पे करते होंगे, ये बात भी है, ये भी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ एक जगह रेड पड़ गई है तो वो उसी जगह दोबारा तो ऑफिस खोलना तो बहुत इतने तो बेवकूफ वो भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, और प्लस उनका सारा काम इंटरनेट पे चलता है तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, ये भी है, दे डोंट हैव टू बी इन इंडिया। आपको क्या चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपको एक फोन चाहिए होगा, बस करें। मगर वैसे हकीकत है कि अगर इंडिया में या पाकिस्तान में किसी को कॉल आए कि हम IRS से बात कर रहे हैं, हम FBR से बात कर रहे हैं और आप टैक्स जमा नहीं कराया, तो सबसे पहले तो हैरान होगा, कहते भाई हम तो वैसे ही नहीं कराते और आप कह रहे हैं कि 5 लाख डबल जमा करा दो। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को कॉल नहीं करते, वहाँ के लोगों को कॉल करते हैं कि जो लोग करते हैं। अमेरिका में भी हुआ है ये, अमेरिका में भी हुआ है, वहाँ पर भी लोगों को कॉल्स गई हैं और वहाँ पर भी लोगों ने पैसे दिए हैं डर डर के, घबरा घबरा के। एनीवे, सो आपको अगर कॉल आए, सवाल ये बनता है कि भाई क्या करना चाहिए अगर कॉल आपके पास आती है। सबसे पहली बात तो अवेयरनेस वाली बात है, ये वीडियो बनाने का एक रीजन ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पता चले, अवेयर हो। मैं जिन जिनसे मिलता हूँ, चाहे वो मैं उनके साथ काम करता हूँ या मेरे दोस्त हों जिनके साथ मैं खेलता हूँ या जो भी हो, उनको उनसे बात ये शेयर करें आप, कि भाई मुझे ऐसी कॉल आई थी, कॉल में ये हुआ, ये पूछा, ये बताया। तो उससे ये होता है कि आइंदा अगर उनको कॉल आए तो उनको कहीं माइंड में ट्रिगर करेगा कि नहीं यार ये फेक कॉल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी समझ जाए फौरन कि ये फेक कॉल है। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, स्टार्टिंग जो होती है कॉल की, जो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं, उससे यही लगता है देख के कि ये प्रॉपर CRA वाले आपको कॉल कर रहे हैं। और जहाँ पैसों का मामला होता है, ज़्यादातर लोग जो उनको मैं जानता हूँ यहाँ पे, वो एक अकाउंटेंट के थ्रू फाइल करते हैं अपने टैक्सेस, तो उनको तो पता भी नहीं होता या इतना शायद अवेयरनेस नहीं हो कि कितना हुआ कि, था कि कितना हुआ था, क्या हुआ था, वो अकाउंटेंट ने फाइल किया था, तो उनको लगता होगा शायद मेरे अकाउंटेंट शायद कोई गलती हो गई हो या शायद कहीं कोई फाइलिंग में कोई फिगर ऊपर नीचे हो गई हो। तो CRA ने अब उसको, अच्छा मैंने पूछा भी था उस कॉलर से कि तुमने 2013 में मैंने किया जैसे तुम कह रहे हो, तुम्हें अब क्यों कॉल कर रहे हो, तो क्या करा? तो उसने कहा कि नहीं, हम टैली करते हैं हर 5 साल पे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है हम आपको कर रहे हैं कॉल। उसने मुझसे ये भी कहा, झूठी है सही, लेकिन उसने ये भी कहा कि आपको रिटर्न में हम भेज चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे रिटर्न में दो, तो बोलते हैं रिटर्न में भी भेज चुके हैं, आपको 2 बार मेल कर चुके हैं। और मैंने कहा मुझे तो मिला नहीं कुछ, ऑफकोर्स कुछ भेजा नहीं था, तो मिलेगा कैसे। लेकिन जो है काफ़ी इस तरह की कॉल्स आएंगी, अभी भी आएंगी कॉल्स, क्योंकि जब तक ये बैठ के बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या है, लेकिन हम लोग अपने इंडिविजुअल उससे रोक सकते हैं, क्या अवेयरनेस फैलाइए। और दूसरी बात ये कि एक तो अब्दुल्ला ने अच्छी बात की कि आप एक दूसरे को बताइए, लेकिन एक दूसरे को बताएगा फिर दूसरा तीसरे को बताएगा और इस तरह सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा होगी। दूसरी ये है कि इफ़ यू कैन कंप्लेन देन कंप्लेन। तीसरी ये है कि आप देखें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके वो आपके साथ ये हरकतें करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं, इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस की जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू एक्चुअली ब्लॉक दीज कॉल्स, जिस तरह वीडियो भी स्पैमर कॉल्स करते हैं, जो स्कैम के लिए कॉल करते हैं, उससे आप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज़ है शुड आई आंसर दिस कॉल। वो एक बड़ी सिंपल सी ऐप है, एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, आई थिंक आईफोन पे भी अवेलेबल हो, फ्री एंड सो फ्री ऐप। अच्छा, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। और इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपल सर्च कीजिए कि भाई कॉल ब्लॉकिंग ऐप्स या रोबो कॉल्स ब्लॉक ऐप या स्कैम कॉल्स ब्लॉकिंग एप्लीकेशन, तो वो साइट्स हैं जो आप इसका आप यू नो सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मगर ये एप्लीकेशन जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे ट्रस्ट अ शेयर्ड डेटाबेस, यानी कि फॉर एग्जांपल जितने लोगों के पास ये मोबाइल एप्लीकेशन है जी, वो शेयर करते हैं कि हमारे पास इस कॉल से, इस नंबर से कॉल आई थी और ये कॉल, ये नंबर जो है वो स्कैमर्स का है या स्पैमर्स का है, ठीक है। तो वो फिर जो है अगली दफ़ा जब आपको कॉल आएगी, किसी और को जब कॉल आएगी, तो वो स्क्रीन पर दिखा देता है कि इस नंबर की हिस्ट्री जो है वो सही नहीं है, वो स्कैमर्स का नंबर है, जो भी नंबर है गलत नंबर है। देन इट्स अप टू यू कि इफ यू वांट टू पिक दिस कॉल और यू वांट टू यू नो डोंट वांट टू पिक दिस कॉल। ऑल्सो इफ यू ब्लॉक दिस नंबर, जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आप उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर वो आइंदा आपको उस नंबर से कभी कोई कॉल नहीं आ सकता। हाँ, ये ब्लॉक वाला ऑप्शन तो मैं यूज़ करता हूँ, ऐप नहीं है मेरे पास, लेकिन ब्लॉक वाला ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि
सी आर ए स्कैम तो एक स्कैम है ना, इस तरह की और भी चीजें कॉल आती है यहाँ पे. मजे की बात यह है कि मैंने अपना नंबर ऐड किया हुआ है डू नॉट कॉल लिस्ट पे, तब भी कॉल आती है. डू नॉट कॉल लिस्ट पे ऐड करने से एटलीस्ट तो ये हुआ है कि जो विद इन कैनेडा ऑपरेट कर रहे हैं कम हो गई है कॉल्स, कम हो गई है काफी, लेकिन फिर भी कॉल्स आती हैं. पहले आती थी एक क्रूज जीत गया, क्रूज ट्रिप जीत चुके हैं आप, तो वो कॉल नहीं आती है. आई थिंक शायद डीएनसी पे जब से मैंने अपना नंबर ऐड किया है वो कॉल्स नहीं आती हैं. लेकिन हाँ, जैसे ये सीआरए वाले हैं ये नंबर बदल बदल के कॉल करते हैं, किसी एक नंबर से कॉल आती नहीं है, कभी 514 एरिया कोड से, कभी 204, कभी 416, कभी 647, जो भी है. तो नंबर अगर आपको पता चल गया कि इससे दोबारा कॉल आएगी तो वही नंबर आपने सेल फोन में आप फौरन उसको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि आपका फोन खुद ही इतना, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन होता है तो इतना तो फोन कर ही सकता है. एनीवे द बॉटम लाइन इज के इस पूरी गुफ्तगू का मकसद से ये था कि थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मज़ीद लोगों को बताइए. इफ़ द ईजीएस्ट वे इज़ टू शेयर दिस वीडियो, अगर आप पूरी उसको कहानी नहीं सुनाना चाहते, सो दे कैन वॉच एट देयर ओन टाइम, आप उनसे शेयर कर सकते हैं. दूसरा ये कि यार CRA या FBR या IRS या IRS जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस स्टेट्स में, दे जस्ट डोंट कॉल पीपल रेंडमली कि अच्छा नहीं है आपने इतने पैसे नहीं जमा कराए. एक प्रोसीजर होता है, आपको लीगल एक यू नो डॉक्यूमेंट आता है, आपको लेटर आता है, उसके बाद कहीं जाके कॉल आ. मुझे ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी को CRA को एक्चुअली CRA ने कभी किसी को कॉल किया. Even for the legit cases, मतलब अगर किसी ने वाकई में अगर पैसे नहीं जमा कराए, टैक्स जमा नहीं कराए, even then they won't call you. So anyway, कॉल नहीं आती. In fact, CRA ने अब यहाँ पर तो ये कर दिया है कि वो आपको अगर आप चाहें तो मेल भी नहीं करेंगे कुछ, आप उनका ऑनलाइन अकाउंट बना लीजिए. जैसे मैंने रिसेंटली ट्राई किया था तो उससे ऑनलाइन अकाउंट बनाने से ये होता है कि कोई अगर अपडेट है कोई आपको ईमेल, सिर्फ ये ईमेल आती है कि आपके ऑनलाइन अकाउंट में एक कोई अपडेट आई है, आप प्लीज लॉग इन कीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या है. तो आपको वैसे भी CRA के वेबसाइट पे प्रॉपर उस पर जाके लॉग इन करना है. वो कोई लिंक नहीं प्रोवाइड करते हैं कि क्लिक हियर टू लॉग इन, ऐसा कुछ नहीं है. वो कहते हैं आप खुद से जाइए, अपने टाइम पे जाइए, अपने ब्राउजर जो भी आपको लगे सेफ, क्योंकि इसमें भी फ्रॉड हो सकता है. इसमें भी है कि वो किसी गलत लिंक पे ले जाए आपको, जो कि लग रही है CRA जैसी साइट मगर एक्चुअली हो नहीं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Alright, so that's about it. ये था आज का एपिसोड. उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आप मज़ीद लोगों में ये जो है ना ये अवेयरनेस आप फैलाएंगे. डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ देर इज एनी अदर टॉपिक दैट यू वॉन्ट अस टू डिस्कस, प्लीज़ मेक श्योर यू पुट इन द कॉमेंट्स. ऑल्सो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टेक केयर. बाय. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आबिद. वालेकुम. अबे यार, उनको तोड़ी कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ यार, ताकि फिर से करो. अच्छा, फिर से करो यार.